के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 1,77,000 कैंडिडेट का डाटा जो दिया गया है, इसके जो है सभी शिफ्ट एवरेज देखने वाले हैं जो रैंक मित्रा द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करें इसमें जो सभी सबसे इजी शिफ्ट और सबसे हार्ड शिफ्ट का जो है सभी का एवरेज मार्क्स दिया गया है, आप लोग को पता चल जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ने वाला है। साथ में आप लोगों के लिए सेफ का स्कोर भी बताएंगे जो गगन प्रताप सर द्वारा बताया गया है, जिससे आपका कटअप का अनुमान पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर जो है सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट था सबसे ऊपर में हो जाएगा और सबसे ईजी वाला नीचे में जाएगा। इसी के आधार पर यह डाटा तैयार किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं 17 तारीख जो एग्जाम था थर्ड शिफ्ट वाला एग्जाम, उसका जो एवरेज मार्क्स बन रहा है 109 नंबर बन रहा है, जिसमें सभी का डाटा आप देख सकते हैं 5000 के आसपास में स्टूडेंट का डाटा दिया गया है। अगर इसी प्रकार बात करें तो 18 तारीख के एग्जाम के थर्ड शिफ्ट वाला को 112 एवरेज मार्क बन रहा है, ये जो है सबसे जो है लो स्कोर हो रहा है। उसी प्रकार ये मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, आप लोग अपना अपना स्कोर जो है एवरेज मार्क देख लीजिए जो कहाँ पर कितना कितना एवरेज मार्क्स दिया गया है। इसमें आप टोटल जो है टोटल डाटा दिया गया, आप लोग अपना पॉज कर करके सभी देख लीजिए इसमें टोटल एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है। सबसे लास्ट में भी स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे जो इजी शिफ्ट जा रहा है वो 23 तारीख वाले एग्जाम जो है सेकेंड शिफ्ट का, उसका जो एवरेज स्कोर बन रहा है 129 नंबर बन रहा है, जो सबसे इजी शिफ्ट बताया जा रहा है। उससे ऊपर वाला जो 10 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट है ये भी इजी शिफ्ट के कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि इतना से मान के चलिए ये सभी जो है इजी कैटेगरी में आ रहा है। इनका नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने की संभावना बहुत कम है। पेपर हुआ था 2022 में तो 37,000 वैकेंसी थी, तो उस समय कट ऑफ गई थी 114। इस बार लगभग 17,000 के आसपास वैकेंसी हैं, लेकिन पेपर थोड़ा ठीक ठाक आया है, तो मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 130 से 135 के बीच में आए जाएगी। ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, टेंटेटिव आंसर की के जो मार्क्स जो क्वेश्चंस हैं उनके रिव्यू हो जाने के बाद, अगर किसी बच्चे का स्कोर 130 से 135 के बीच में बन रहा है तो मान के चले कि वो इस साल का मेंस लिखने वाला है और वो अपनी मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाए। तो गगन प्रताप सर के अनुसार जो कट ऑफ जाने वाला है वो 130 से 135 के बीच रहने वाला, ये जो है नॉर्मलाइज स्कोर बताया जा रहा है। और सभी का रो स्कोर जो इससे कम भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाएगा। बाकी आप शुभम जैन सर का जो है इंतजार कर सकते हैं, उनके द्वारा जो है जल्द जो कट ऑफ जारी किया जाए। बाकी एक डिटेल वीडियो भी आपको कल जो है मिल जाएगा, जिसमें जो है टोटल वैकेंसी जो 5 साल के और कट ऑफ जो भी है मैं बताने वाला हूँ, जिसमें जो कितने लोगों को स्टूडेंट का डाटा लिया जाएगा और लास्ट 5 साल के वैकेंसीज के भी डिटेल देखेंगे, इसलिए जो है आपको कल वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपनी मेंस की तैयारी लग जाइए।